आदाब दोस्तों, मैं हूं एमए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी यूं तो आप लोगों के लिए बड़े ही मालूमाती प्रोग्राम पेश करता है, ताकि आपको पता चले कि हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में क्या हो रहा है, हुकूमत किस ढंग से अपने काम अंजाम दे रही है। दोस्तों, हालात हाजिरा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शमशाद खादरी साहब, जो एमवा के कौमी सदर भी हैं और अवामी जहदकार के अलावा सहाफ़ी और सबकी हर दिल अजीज शख्सियत हैं। खादरी साहब, सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आए। तो खादरी साहब, आज के जो हालात हैं उसे देखकर मुझे बड़ा अचंभा होता है। मैं सोचता हूँ कि क्या हुकूमत हकीकी मानों में मुसलमानों की हमदर्द है, जैसा कि आपने आप भी देख रहे हैं। आप तो महकमे अक़लियती बहबूद पर कड़ी नज़र रखते हैं, मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए आप हमेशा आगे आते हैं। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि हालात हाजिरा में वो कौन सी वजूहत रही हैं जिसकी वजह से शफीउर रहमान शफीउल्लाह साहब, जो अपने वो वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर के तौर पर ओहदे को ठुकरा रहे हैं, इसकी वजूहत क्या हो सकती है? और फिर वो जो इदारा है हज हाउस की जो मंजिल है, उसमें कितने इदारे काम करते हैं और इन इदारों की कारकर्दगी क्या है, मुसलमानों के लिए ये लोग कितने हद तक कामयाब साबित हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। जैसा कि आपने हालात हाजरा का पर बात करने की जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले जब अहकामात जारी हुए शफीउल्लाह साहब को, उनके अपने टिमरीज के अलावा भी और चार महकूमजात उनके जो है हवाले किए गए, जिसमें खसूसी तौर पर वक्फ बोर्ड का जो है महकूमा भी उनको तहफ़ किया गया। वाजिद साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब हुकूमत इनको जो है चार महकमे दी, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का भी महकमा दिया, तो इनके इनकार करने की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। इस वजह से समझ में नहीं आ रही है कि आप दूसरे चार महकमे आप कबूल कर रहे हैं, वहाँ जिम्मेदारियाँ कबूल कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड का जो महकमे की जो बात है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप उसे इनकार कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनकार की वजह आपके सामने बाद में लाना चाहूँगा, मगर सबसे पहले जब हुकूमत की जानिब से आपको तमाम इदारों का जो है जायद जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो मैं हुकूमत से, मेरा ये सवाल है मिस्टर चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जो महकमे अखली बहुत जो है उसमें सुधार लाने की जो बात कह रहे हैं जी, जब हुकूमत की जानिब से आपको अहकाम जारी किए गए हैं, तो आपको उसको कबूल करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, जो सारे रियासत के जो है एक कर्ता धरता हैं, जब उन्होंने अहकाम जारी किए, तो शफीउल्लाह जो इस वक्त टिमरीज के सेक्रेटरी भी हैं और दूसरे महकमाजात उनको जो सुपुर्द किए गए हैं, जब उन्होंने कबूल किया था, तो मैं ये चाहता था कि वो कबूल करने के बाद आपकी क्या मुश्किलात हैं वहाँ बाद में आप बयान कर सकते थे, मगर एकदम जो है आप, मैं तमाम दूसरे महकमे लूँगा और वक्फ बोर्ड का महकमा नहीं लूँगा, तो इसका मतलब ये है कि उस महकमे में बड़े पैमाने पे धंधालियाँ भी चल रही हैं और वहाँ का स्टाफ किसी के सुनने के काबिल नहीं है। अखबार की न्यूज़ वगैरह जब आती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई एक महकमा है, वहाँ पर चेयरमैन रहने के बावजूद, चीफ मिनिस्टर के अहकाम होने के बावजूद भी शफीउल्लाह का इनकार करना इस बात का यहाँ पर इशारा देता है कि वहाँ पर काम करना किसी भी ऑफिसर के लिए मुश्किल है। अच्छा, और एक खास बात, मुझे हैरत इस बात की है कि एक ही ऑफिसर जिसको जंगल महकमे जंगला से जो आईएफएस है, जंगला से लाके टिमरीज की जिम्मेदारी थी, ठीक है, वहाँ के हद तक तो ठीक है, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, आप उनको जो है हज कमेटी में भी दे दिए, वक्फ बोर्ड में भी दे दिए, या सब दे दिए। मैं मिस्टर चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक ही शख्स को चार चार जिम्मेदारियां जब देंगे, तो वाजिद साहब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वो शख्स जो है
चार महकमे की जिम्मेदारियां संभाल सकता है? नहीं, इंसाफ नहीं कर पाएगा वो शख्स, इंसाफ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऐसे जो है बड़े जो है महकमा जात उनके हवाले कर दिए गए हैं। तो इस मैं नहीं समझता कि शफीउल्लाह साहब जब यहाँ पर आए हैं, दूसरे महकमे जात भी होंगे, ये आए नशिस्तन पुस्तन बर्खास्तन का मामला आए बैठे चले गए, इससे होने वाला नहीं है जी। मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और मिस्टर महमूद अली जो एक वजीर है मुसलमानों की नुमाइंदगी आप जो तेलंगाना में तेलंगाना की कैबिनेट में आप कर रहे हैं, तो मेरे खसूसी तौर पर मैं ये मुतालबा करना चाहूँगा, अपील इस वास्ते नहीं करना चाहूँगा, मुतालबा करना चाहूँगा एक समाजी जहदकार होने के नाते और मुसलमानों की जो हालत आज हालत इजार है उनको अगर सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर ला के उनको मदद करना है जी। तो फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि मिस्टर महमूद अली जो वजीर दाखिला भी हैं और हमारी मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो आप ये बात चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लाने में लाना बेहद ज़रूरी है। क्यों मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बहुत से आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और जो डिप्टी सेक्रेटरी के हैदे के लोग हैं, ऐसे लोगों को अलायदा अलायदा अगर आप उनको जिम्मेदारी अगर उनको जो मामूर करेंगे जिम्मेदारी पे, तो मैं समझता हूँ कि महकमे की कारकर्दगी भी अच्छी होगी और तमाम महकमे अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। अब एक ही शख्स के ऊपर इतना भार डाल देंगे, मैं क्योंकि चाहे वो शफीउल्लाह हो या फिर चाहे और कोई दूसरा ऑफिसर हो, एक ही शख्स के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां अगर जब डालेंगे तो वह किस तरीके से काम कर सकेगा, ये मिस्टर चंद्रशेखर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को सोचना है, मिस्टर महमूद अली को सोचना है, मिस्टर एके साहब को सोचना है और दूसरे ऑफिसर्स को। अब आज आज दो दिन पहले के अखबारों में जो है एडवाइजर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो है अनबन की बात आई, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितनी महकमे की बदनामी हो रही है। आप एक अच्छे चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये ऑफिसर्स की जो है ये जो आपस की जो चपल खशे आपस में जो जो है एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो ये सब चीजों से ये खुले तौर पर ये मालूम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन पे गिरफ्त थोड़ी कमजोर हो रही होती नजर आ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से कि जब आप बड़े बड़े जो है कारनामे अंजाम देते हुए बीआरएस पार्टी का खैर अमल में लाया, आप जो है कौमी सियासत में भी अपना दाखिला हो गया है, तो आपको ये देखना है कि महकमे अखिलियती बहबूद जिसके लिए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो महकमा कायम किया गया था जी। उसमें सुधार लाने की जिम्मेदारी है मिस्टर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पे जी। अगर अब भी आप दिलचस्पी नहीं लेंगे तो जितना हाल अब तमाम महकमों का हाल यतीम खाने से बदतर होके रह गया जी। कोई एक दूसरे की बात सुनने वाला नहीं है, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इन सब चीजों को देखने के लिए अगर वाकई मिस्टर चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि मुसलमानों की फलाह बहबूद हो, नौजवानों को नौकरियां मिले, ओवरसीज स्कॉलरशिप मंजूर हो, सही तरीके से बजट सेंक्शन हो, तो फिर अब ये वक्त की सबसे अहम जरूरत है कि मिस्टर चंद्रशेखर राव अब आपको जो है इसमें मुदाखलत करते हुए अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स को अलग अलग जो है महकमे जितने हैं उन पे अगर जितने भी मखलूआत आ जाते हैं एक अच्छे ऑफिसर को आईएएस हो या सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के हो उनको मुतयन करेंगे तो यकीनन महकमे अखिलियत बहबूद की कारकर्दगी ठीक होगी। वरना होगा ये कि बिल्कुल वहाँ का जो है एडमिनिस्ट्रेशन ठप होकर रह जाएगा, ना उसमें मुसलमानों की फलाह बहबूद होगी, ना नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, ना ओवरसीज स्कॉलरशिप मंजूर होगी। तो इन सब चीजों को ज़हन में रखते हुए मिस्टर चंद्रशेखर राव से मेरा मुतालबा है कि अब भी वक्त है, आप समझ जाइए और तमाम अहदेदारों के यकीन रखते हुए इस बात को यकीनी बनाइए कि जो अखिलियती बहबूद में जो कारकर्दगी में जो सवाल आया है उसको अगर सही तरीके से अगर आपको उठाना है तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ते हुए तमाम महकमे जात के तमाम ऑफिसर्स को बुलाते हुए अच्छे डिप्टी सेक्रेटरी के अहदे के जो भी उस अहदे के जो है काबिल है ऐसे लोगों को लाके अगर आप रखेंगे, ये टेम्पररी तौर पर आप करेंगे तो टेम्पररी तौर पर आपका कुछ काम होने वाला नहीं। सही बात है आपकी। तो खाजी साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कि आप बता रहे थे कि शाहनवाज जो कासिम लेना नहीं चाहते वो चार्ज अपने नाम शफीउल्लाह जो चार्ज लेना नहीं चाहते, तो इसमें यकीनन बदकिरदार लोगों का अमल दखल रहा होगा, इदारे में बदकिरदार लोग शामिल होंगे। तो खाजी साहब ये तो थी महकमे अखिलियती बहबूद की बात, तो आज मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा खादी साहब। वज़ीर दाखिला महमूद अली कहते हैं, अपना बयान जारी करते हैं कि खम्मम में जलसे आम के बाद, आप ज़रा ध्यान दीजिए, 18 तारीख को खम्मम में जलसे आम
बीआरएस पार्टी की जानिब से पहला होने वाला है। तो उनका जवाब ये है, वजीर दाखिला का देर आए दुरुस्त आए, छोड़िए आए, और उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ये जो खम्मम का जलसे आम है ये ख़त्म होने के बाद वजीर आला केसीआर अक्लियती उमूर पर बातचीत करेंगे। तो उनके इस बयान से अब क्या मतलब लेते हैं साहब? अब देखिए, अभी खुली बात यह है कि जब भी जहां पर, यानी कि मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ खान साहब, क्या अब तक केसीआर और महमूद अली सोए हुए थे? बिल्कुल, अब बात यहाँ पर ये देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कोई बयान जारी करने से पहले या कुछ करने से पहले 2014 से आज तक सिर्फ वादों पे ही टालते गए, असलियत बहबूद को जो है असलियतों की फलाह बहबूद का काम, और उन वादों पे मारे गए, वादों में मारे गए। मुसलमान बेचारे जो है इतने भोले भाले हैं कि वादे करते गए, चंद्रशेखर साहब के वादे होते रहे, महमूद अली साहब के वादे होते रहे। यहाँ पर फिर 2014 से लेकर 2023 का इलेक्शन करीब आ गया है, इलेक्शन के करीब क्या है, इलेक्शन स्टंट है या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि महमूद अली साहब हो या वजीर दाखिला? क्योंकि महमूद अली साहब एक, मैं हमेशा ये बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इतनी बड़ी कैबिनेट में 12% अगर आप चलिए 12% आपने रिजर्वेशन, 4 में से 3 हो गया हो गया 12% रिजर्वेशन नहीं दिया गया, परवाह नहीं, मगर 12% के लिहाज से आप जो है उजरा को भी नॉमिनेट कर सकते थे आपके कैबिनेट में, ताकि जो है मुसलमानों की फलाह बहबूद को, अच्छे मुस्लिम वजीर को जो है अखिलियत बहबूद का कलमदान अगर आप देते तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वजीर कुछ ना कुछ काम करता था। अब ये बात समझ से बाहर है कि 18 तारीख का जब बीआरएस का जलसा खम्मम का होगा, उसके आने के बाद जो है आप मीटिंग रखते हुए तमाम उमूर पे जो है तबादला ख्याल करेंगे, तो मैं मिस्टर महमूद अली से और मिस्टर चंद्रशेखर से ये बात कहना चाहूंगा कि 2014 से 2023 करीब आ चुका है, अब कम से कम मैं ये चाहता हूँ एक सामाजिक दहेजगार होने के नाते क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम आप जो है वाकई अगर मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं, नौजवानों को नौकरियां दिलाना चाहते हैं, बैंकेबल स्कीम के तहत जो लोन जो है छोटे मोटे कारोबार करने के लिए देना चाहते हैं, तो अब वक्त है, वक्त की अहम जरूरत भी है, वक्त आ चुका है कि अब आपको दिलचस्पी लेते हुए इस बात को आपको यकीनी बनाना है कि वाकई आपके दिल में मुसलमानों के साथ माइनॉरिटी के साथ हमदर्दी है, उनके हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरियां देना चाहते हैं, और खास तौर से कहना चाहूंगा वाजी साहब जो बाहर नौजवान जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, एजुकेशन हासिल करने के लिए, ओवरसीज स्कॉलरशिप का बजट आज तक रिलीज नहीं हुआ, तो मैं मिस्टर चंद्रशेखर राव और हमारे हरदिल अजीज जनाब महमूद अली साहब से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूंगा कि आज माँ बाप यहाँ दुनिया की परेशान हाल जिंदगी फाखर कर करें और लाखों रुपए उन बच्चों को देके वहाँ फीस देके उनके सर्टिफिकेट हासिल करना इनके लिए नामुमकिन है जी। तो अब वक्त से शायद हम जरूरत यह है कि जब आपने स्कीम शुरू की थी तो हमको बड़ा अच्छा लगा था कि वाकई आपने जो है मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बच्चों को आगे तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख की जो खतीर रकम आपने जो मंजूर की थी। तो मैं चाहता हूँ कि अब जिस तरीके से आप दलित बंधु के लिए बजट रिलीज कर रहे हैं, दलित बंधु की स्कीम बहुत प्यारी स्कीम है, उसी तरीके से आप मुसलमान मुस्लिम बंधु स्कीम भी आप शुरू कर सकते हैं, और खास तौर से कहना चाहूंगा जो नौजवान इस वक्त अपने सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं बड़े जो है तकलीफ और दर्द के साथ आपके बात कहना चाहूंगा कि आज उनके माँ बाप जिस कष्टोपुरसी के हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों को वापस बुलाने के लिए उनके सर्टिफिकेट हासिल करने में तकलीफ हो रही है, अब आपका वक्त, ये आपका अपना बड़ा इम्तिहान का वक्त है कि अगर वाकई आप मुसलमानों की नौजवानों की तालीम की तरफ अगर तवज्जो देना चाहते हैं तो फौरी तौर पर जो बजट रुका हुआ है उसको फौरी तौर पर अगर बजट बढ़ अगर रिलीज करेंगे तो वो नौजवान अपने सर्टिफिकेट वापस ले वापस वापस उनको हासिल करते हुए हिंदुस्तान में आकर उनको नौकरी का मौका मिल सकेंगे, आगे वो पढ़ सके। तो खादी साहब, मेरा सवाल ये था कि वजीर दाखिला महमूद अली अचानक उठ जाते हैं, अचानक बयान देते हैं, तो इससे क्या मुराद है? आप बताइए हमारे देखने वालों को, आप ये बताइए कि वजीर आला का इस तरह अचानक उठना, जैसे कि बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं अकलियत बहबूद में सही ढंग से काम नहीं हो रहे हैं, तो इन हालात में अगर इन सब चीज़ों का जायज़ा लिया जाए तो मुझे लगता है कि वजीर आला ने सॉरी वजीर दाखिला महमूद अली ने अचानक उठकर एक बयान दिया है कि
अखिलेश की उम्र पर चीफ मिनिस्टर खम्मम के जलसे आपके बाद बात करेंगे, उनका ये कहना सही है या गलत है, आप ये बताइए। नहीं नहीं, अब आप देखिए, सही इस वास्ते नहीं भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये खम्मम के जलसे की ही बात क्यों की गई। आप खम्मम का जलसा 18 जैसे कि आपने कहा स्टंट है क्या ये इलेक्शन का, फिर ऐसा देखिए आप इलेक्शन पे नहीं, आप इससे क्या मुराद लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल यही सब देखिए, अब बीआरएस पार्टी का जो जलसा है उसका मतलब ये है कि मुसलमान थोड़ा राजी हो जाए उसकी तरफ। अच्छा। उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए या चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से महमूद अली होम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से बयान दिया है, इसका खुला मतलब ये है कि बीआरएस का जो जलसियाम होने वाला है उसको कामयाब बनाया और मुसलमान उसकी तरफ राजी होते हुए इस बात का सबूत दे के हम बीआरएस के साथ है। तो इसका मतलब ये है खाली साहब, आप कहना ही चाहते हैं कि ये सियासी शोबेदाबाजी है। बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं आता हूँ और एक बात कहना चाहूंगा। महमूद अली साहब ने जो बात कही कि जो है 18 तारीख के जलसे के बाद जो है अखिलेश की उम्र पर बातचीत होगी, तो मैं सबसे पहले मिस्टर महमूद अली साहब जो हमारे नुमाइंदा वजीर हैं कैबिनेट में, उनसे ये बात मैं कहना चाहूँगा, उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप सोचिए, जहाँ 4% से 3% कर दिया गया है, आज तक आपकी आवाज़ उसके ऊपर क्यों नहीं उठी? ये बात चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक आप क्यों नहीं लेके गए? आपका होना तो ये चाहिए था कि 4% 3% कर दिया गया है तो चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाते हुए आप अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए जो 4% जो मंजूर किया गया था उसको ही कंटिन्यू अगर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वजीर दाखिला मिस्टर महमूद अली की भी नेकनामी होती और चीफ मिनिस्टर की भी नेकनामी होती। आज हमारे पोलिटिकल लीडरों की हो, समाजी हो, मिल्ली हो, यानी जितने भी तंजीमें मुसलमानों की काम कर रही हैं, क्या उनको साफ सुन गया है कि क्यों ये 4% के ऊपर आज तक क्यों एहतजाज क्यों नहीं हुआ, क्यों चीफ मिनिस्टर नॉलेज तक जाके ये बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की, क्यों अपनी जिम्मेदारी से पहले तय कर रही है लोग? मैं आज तमाम दिल्ली समाजी वेलफेयर स्कीमों के जितने भी जिम्मेदार हैं, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, मेरी उनसे दलबंदाना अपील है कि अब वक्त आ चुका है कि आगे बढ़िए। आप कब आगे बढ़ेंगे, आप कब आगे बढ़ेंगे और कब मुसलमानों के खिलाफ उनके लिए आप काम करने की कोशिश करेंगे? 4% से 3% हो गया, आपकी एक आवाज उठ नहीं रही है, आपने बहुत अच्छी बात कही खाली साहब ये, मगर मैं जहाँ तक मेरा एहसान जाता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ खाली साहब, असल मसला ये है कि जो 3% का मसला इस वक्त चल रहा है ये वजीर दाखिला को पता नहीं है, क्योंकि कब्ल अजी उन्होंने एक बयान दिया था, नहीं 3% नहीं किया गया, 4% बरकरार रहेंगे। आपने शायद अखबारात का मुतालिया किया होगा, उन्होंने एक वजाहत अपनी दी थी और कहा था कि नहीं ऐसा नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा एहसान है, वजीर दाखिला इस बारे में नहीं जानते, उन्हें इस बारे में कोई पता नहीं है, तो ऐसे में मुसलमानों का क्या होगा? आप ये बताइए, मुस्लिम तलबा और तालिबान जो नौकरी हासिल कर रही, नौकरियाँ एकदम निकाले गए हैं इस वक्त, मखलूआ जायदादों की भर्ती के लिए तक उदू की जा रही है, ऐसे में मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उसको घटा दिया गया है, फिर आप इन सब हरकत से हुकूमत की जानिब से किए गई ये मुजरिमाना साजिश है, इसके तहत जो किया जा रहा है उसको आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, आप देखिए, ये तो खुली जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है, यानी 4% से 3% कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि वजीर दाखिला को चाहिए यह था कि इसकी तमाम मालूमात हासिल करते हुए आवाम के सामने आपको उसका जो है हुकूमत की जानिब से उसकी तशरीह करनी जरूरी थी, हुकूमत की जानिब से उसको जो है क्लैरिफिकेशन बेहद जरूरी था, देना जरूरी था। मालूम कैसे नहीं होता जनाब अली, आप हुकूमत में हैं, आप कैबिनेट में हैं, इतना बड़ा मसला है मुसलमानों का, ये उनकी जान पे बनाइए, तो ये मिस्टर महमूद अली का वो उनके खलमदान के तहत नहीं आता खाजी साहब, खलमदान का सवाल यहाँ इस वास्ते नहीं है कि जब खलमदान के तहत नहीं आता तो आपने जो है माइनॉरिटी लोन के लिए 200 करोड़ जारी करने की बात क्यों की फिर आपने? जब आप 200 करोड़ की बात की है तो मैं समझता हूँ कि मिस्टर महमूद अली साहब जो वजीर दाखिला है उन्होंने, चलिए उनके जबान से ये तो निकला 200 करोड़, मैं ये कहना चाहूंगा कि 200 करोड़ से क्या होने वाला है, 200 करोड़ से क्या होने वाला है, कम से कम 1,000 करोड़ अगर आप देंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ मुस्तहक लोग जो है आबादी के लिहाज से अगर उनको बजट मुफ्त किया जाता तो वो लोग कुछ छोटे मोटे कारोबार करते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। 200 करोड़ में अब 120 करोड़ में जो 12,000 है 200 करोड़ में और 5,000 22,000 होते थे, क्या 22,000 हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सिख बुद्धिस्ट ये सब इसमें शामिल है, एक
33 डिस्क में आप अंदाजा लगाइए जनाब अली, आप 200 करोड़ बल्कि बहुत बड़ा अपने आप से जो है अपनी जिम्मेदारी से सुपुर्द करना चाह रहे हैं। 200 करोड़ की क्या अहमियत है? मैं समझता हूं खादी साहब, 200 करोड़ की जो बात हो रही है वो छलावा है, मुसलमानों के साथ धोखा है। दरअसल ये है ये कि हमारे सभी ख्वाब गैर मोतबर ठहरे, हमारे सभी ख्वाब गैर मोतबर ठहरे। जो ख्वाब तुमने दिखाए थे क्या हुए आपके, मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। 200 करोड़ को आप छोड़ दीजिए, 200 करोड़ कभी होंगे नहीं है, वो 120 करोड़ ही पर हम बात करेंगे। 120 करोड़ जो की जो बात की गई है, जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था खाली साहब, पहले 80 करोड़ ही मंजूर नहीं किए गए, बिल्कुल उसकी रकम जमा नहीं की गई। तो ऐसे में 200 करोड़ तो बहुत दूर, दिल्ली दूर अस्त है, उसको छोड़ दो आप। मैं बताना ये चाहता हूँ खाली साहब, अब जबकि ये स्कीम की शुरुआत हो चुकी है और इख्तिताम पजीर है, जैसे कि स्कीम शुरू की गई, हमने इस पर बहुत सारी बातें की कबल अजी के, ऑनलाइन कर दिया गया, उसके बाद हार्ड कापी जमा करने की बात की गई, अब उसके बाद डब्बे में डालने की बात की जा रही है। तो आप 12,000 आदमियों के लिए अब 200 जो है सो ना 2,00,000 दरखास्तें वसूल करते हैं, तो फिर अगर दो लाख अफराद 30,000 या 20,000 रुपए जमा कर देंगे तो कितना पैसा होगा? नहीं होगा, नहीं पैसा उसमें क्या है वाजी साहब, थोड़ा यहाँ पे तस्दीक करना चाहूंगा। जी बिल्कुल कीजिए, 2,00,000 जी से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है। हम 2,00,000 की बात करें, 2,00,000 क्योंकि फिगर बराबर है ना, दो लाख की बात है, सियासत में भी आया दूसरे लिंग में, हमें खुफिया रिपोर्ट है, दो लाख एप्लीकेशन दाखिल। अब मैं मिस्टर इसाख जो चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, कांति वेस्ली हैं जो वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा अब यहाँ पर कि बैंक से तो आपको जो है कंसर्न मिलना बड़ा मुश्किल है, मैं इसीलिए 20,000 या 30,000 वो जमा करेंगे तो 2,00,000 आदमियों में कितने होंगे? नहीं होंगे, मगर वो अगर किसी का लोन सैंक्शन मिला तो आपको वापस मिल जाएंगे। अच्छा, मगर मिल जाएंगे, मगर वापस मिलना या नहीं मिलना वो दूसरा अलग। जी बिल्कुल, आप जो सवाल अलग जी। अब अगर बैंक से नहीं लेके कोई गरीब आदमी कुछ भी करके इंटरेस्ट से पैसे लेके कुछ भी करके अपना 20,000-30,000 रुपए का डीडी बना के उनके पास दे देगा, अब सबसे अहम सवाल वापसी की सूरत क्या होगी? वापसी तो हो जाएगी, क्या होगी? मैं अब ये उनसे सवाल करना चाहूंगा कि जब एप्लीकेशन लोग यूनिट जो है 12,000 यूनिट अब सैंक्शन करेंगे, अब मैं ये मिस्टर इसाफ से, मिस्टर कांति वेस्ली, मिस्टर ए के खान और आपके हमारे हरदीप चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव से कहना चाहूंगा कि अब ये 2,00,000 एप्लीकेशन सपोज आप मान लीजिए कि तमाम 2,00,000 एप्लीकेशन करेक्ट निकलेंगे या उसमें से कुछ कट करा के 1,50,000 या 1,00,000 मतलब 12,000 से ज्यादा ही हो जाएगा, 50,000 भी अगर आप हम मान लेंगे 50,000 एप्लीकेशन जो जांच के बाद बिल्कुल सही निकले, तो वाजिद साहब यहाँ पर देखिए जो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ा किया गया, मुसलमानों के साथ जो मजाक किया गया, मुसलमानों के साथ जो धोखाधड़ी की गई, इस बात का अंदाजा लगाइए। मिस्टर इम्तियाज एहसास, अब आपको इस बात का जवाब देना है कि फौरी तौर पर यह जवाब देना है कि अब अगर सपोज एक अंदाजा लगा लेते हैं कि 50,000 एप्लीकेशन बिल्कुल आपके जो है मियार पे पूरे उतरेंगे, तो अब आप इस बात का जवाब दीजिए जनाब अली कि आप 50,000 लोगों को क्या खुरानंदाजी करेंगे या जो है किस तरीके से आप जो है 12,000 लोगों को आप चुन के आप देंगे, ये अब आपका आपके सामने सवाल मेरा है, इसका जवाब देना है और इसका जवाब इस तरीके से देना है मुझे नहीं बल्कि तमाम अखबारात के जरिए, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि 12,000 लोगों को 50,000 अगर एप्लीकेशन आपके पास आते हैं तो 12,000 लोगों में किस तरीके से आप तस्लीम करेंगे। हाजी साहब, और ये 20,000 और 30,000 का जो डीडी बना के देने की आप बात कह रहे हैं उसकी वापसी की तमानियत कौन देंगे, उसकी जमानत कौन देंगे? तो मैं आपसे खुसूसी तौर पर ये हमारा अगर आप तक ये वीडियो अगर पहुंचेगा तो आइए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक समाज जहदकार होने के नाते मैं क्रिटिसाइज करने की खातिर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें शफाफियत हो कि किस तरीके से जरूरतमंदों को आप जो है लोन देंगे। खादिर साहब, मैं जाते जाते आपसे, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और साफ तौर पे आपने कहा कि इन सब हुकूमती पॉलिसियों में सिवाय शोबेदाबाजी के कुछ और नहीं है, तो
खादी साहब, चलते चलते मैं एक बात कहूंगा, 2 लाख दरख्वास्तें आई हैं इस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जारी करदा स्कीम के लिए। तो खादी साहब मैं सोचता हूं, जब 2 लाख के कर्जे हासिल करने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं तो हैदराबाद में गुर्बत कितनी होगी। अब मुझे तकलीफ होती है ये बोलते हुए कि मुसलमान खत गुर्बत सत गुर्बत के नीचे जी रहे हैं, तो उनकी माशी तालीमी पसमानदगी को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये जो 120 करोड़ का जो हिस्सा है, इसमें क्या मुसलमानों की माशी सूरत हाल बेहतर हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल। अब आप देखिए वाजिद साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ा सा मैं मुख्तसर सा इसमें आपको जो है सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की आपको रिपोर्ट देना चाहूँगा। जब कमीशन कायम किया गया तो जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जी, जब उसका तजिया किया गया तो जब उनसे ये कहा, उन्होंने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि जब मैं हिंदुस्तान में सर्वे किया तो बुद्धिस्ट सबसे पसमानदा थे हिंदुस्तान में, मगर जिस मकसद के तहत ये कमीशन का ख्याम अमल में आया था तो मुझे देख के इस बात की हैरत ही हुई कि मुसलमान बुद्धिस्ट से भी ज्यादा पसमानदा है। जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब तालीमी सुनिए आप। तो उनका जो उन्होंने सवाल भी उनका ही था, जवाब भी उनका, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान तालीमी तौर पर बेहद पसमानदा है। बिल्कुल। तो उनका जवाब था, देखिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर आगे बढ़ते हुए उसके जो है उस पर गौर और कोर्स करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों की पसमानदगी दूर हो सकती थी। तो जस्टिस सचर ने यह कहा कि जब तालीमी तौर पर जब वो पसमानदा है तो इस वास्ते पसमानदा है कि माशी तौर पर इतने पसमानदा हो चुके हैं कि बच्चे वो अपने बच्चों को तालीम दिलाना तो दूर की बात, उन्हें किसी किस्म का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। वो बच्चों की तरकारी टू व्हीलर की जगह पर कहीं भी जो है उनको जो नौकरी के लिए उनको ढकल दिया गया है। तो उनकी सिफारिशात ये है कि मेरी मरकजी हुकूमत और रियासती तमाम हुकूमतों से मेरी एक मुतालबा है कि जब सत्तर कमेटी करोड़ों रुपया खर्च करके सिफारिशात अपनी हुकूमत को पेश की थी नवंबर 2006 में पेश की थी कि मुसलमानों की पसमानदगी अगर दूर करना है, उनको सही तरीके से उनको हर तरीके से उनको कौमी धारे में शामिल करना है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मुसलमानों को कम से कम हर लेवल में 10% रिजर्वेशन देना जरूरी है। बिल्कुल सही है बात। तो मैं हुकूमतों से, तमाम रियासत हुकूमतें मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा कि अब भी वक्त है कि अगर वाकई आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, माइनॉरिटी से हमदर्दी है, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी है, हिंदू मुस्लिम आपके जो है सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी और जैन जितने लोग हैं, अगर इनके फलाह बहबूद जाती हैं, जो खत गुरबत से जिंदगी जो गुजार रहे हैं, अगर वाकई आपके दिल में इनकी हमदर्दी है तो मैं समझता हूं कि अगर वाकई सेकुलर जहन रखते हैं तो फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जान दीजिए, 12% जान दीजिए, सब जान दीजिए। जो सिफारिशात मरकजी हुकूमत को पेश की गई थी, मिस्टर नरेंद्र मोदी हो या फिर वहाँ के जो भी जिम्मेदार हो, उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट, कुंडू कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट के ऊपर अगर आप अमलावरी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के हालत हजार भी ठीक होंगे और वो बिलोड पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठते हुए अपनी जिंदगी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। मगर होगा यह कि जब आपकी नेक नियति, ये तमाम चीजें आपकी नेक नियति पर अगर मुबनी होंगी तो ही ये सब मुमकिन है, वरना ये शोबदेबाजी, सियासी शोबदेबाजी, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना, माइनॉरिटीज को बेवकूफ बनाना 1947 से आज तक हम सुनते आ रहे हैं, फिर सुनते ही रहेंगे और हमारा सिर्फ हमारे को जो है वोट की खातिर हमारे हमारे को इस्तेमाल करना, ये कहां तक दुरुस्त है? मिस्टर चंद्रशेखर राव, मिस्टर नरेंद्र मोदी और तमाम मुतालिक हैदराबाद, आप इस बात पर सोचिए, गौर कीजिए, गौर फिक्र कीजिए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि मुसलमानों की फलाह बहबूद हो, माइनॉरिटीज की फलाह बहबूद हो, सिखों की, ईसाइयों की हो, तो अब आपको नेक नियति से काम करते हुए इस बात का सबूत देना है कि आप इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत में रहते हुए मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ये शुक्रिया खाली साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कहना ये चाहूँगा कि देखिए, जब भी मैं अपने अतराफ फैली गरीबी को देखता हूँ और मुस्लिम नौजवानों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और मैं सोचता हूँ कि अतराफ फैले नौजवानों में रोज़गार को बढ़ाया जाए, बढ़ावा दिया जाए,
लेकिन मौजूदा दिनों में नौजवान अपने मसाइल को लेकर सवाल करने के काबिल नहीं हैं। अगर आप सवाल करना शुरू करेंगे तो हुकूमत आपके दरवाजे तक ज़रूर आएगी, ताकि आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि देखिए, अगर हम मुसलमान नौजवान बुजुर्ग और ख्वातीन लड़कियाँ अगर सड़क पर आ जाएं, तो हम हमारी वक्फ की जायदादों से हम अपना हक मांग सकते हैं और हुकूमत से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे आईन में हमें मंजूरी दी गई है कि हमारे हक के लिए हम एहतजाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।